नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सूरज टूर बांदा। दोस्तों, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर वो दिन आ ही गया है। और मेरे हाथ पर आप देख रहे हैं एक येलो कलर का बॉक्स है जिस पे भरा है रियलमी का 8S लेटेस्ट का लॉन्च हुआ मोबाइल। दोस्तों, ये मोबाइल का प्राइस मैं आपको बताऊंगा मुझे कितने का पड़ा है। मैं इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ऑफर चल रहा था दोस्तों, तो आपको मैं दिखाऊंगा इसको खोलकर क्या इसके फीचर्स हैं, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं YouTube में काम करता था तो पहले मैं जो वीडियो बनाता था, मेरा ये पुराना फ़ोन है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अब थोड़ा सा इसका काम नहीं कर रहा है, हैंग करता है और कैमरा वगैरह इसका जो है धुंधला हो गया है, तो इसलिए इस फ़ोन से मेरा काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझको इस फ़ोन को मंगाना पड़ा। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो इस फ़ोन के बारे में मैं आपको बता दूं, जो मेरी एडवाइस होगी एकदम ट्रूथ होगी। दोस्तों, इस फ़ोन का जो वेरिएंट है 8 और 128 GB की रैम पर है और 128 GB का इसका स्टोरेज है, कमाल का स्टोरेज है। और इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों 810 और इसका जो डायमेंसिटी है वही 810। और इसमें आपको बताते हैं कैमरा की बात करते हैं, इसका 64 मेगापिक्सल इसका रियर कैमरा है और फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल, जो एकदम गजब की सेल्फी क्लिक करता है और एकदम HD फुल HD 4K में वीडियो बनाता है। और इसमें खास बात यह है, ये 5G वेरिएंट में है, 4G 3G 2G 5G चारों चीज़ सपोर्ट करता है मोबाइल। तो इसमें मैंने पर्पल कलर का मंगाया था फ़ोन, क्योंकि मुझे वो कलर ज़्यादा बेस्ट लगता है। इसमें दो ही वेरिएंट आता है, दो कलर, एक आता है मैटी ब्लू और एक पर्पल कलर। तो दोस्तों, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। जो मैंने इस कलर को मंगाया है, ये मेरा कलर पर्पल कलर है और इसकी डायमेंसिटी है 810 मेगा 5G प्रोसेसर का ये मोबाइल है। तो चलिए इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, मैंने देखिए रख दिया है मोबाइल को और इसको ओपन करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही खोल लिया था, लेकिन फिर भी दिखाते हैं आपको। तो ये है आपका बॉक्स और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखिए कुछ पेपर्स दिए गए हैं और खैर इनका कोई काम नहीं है। और ये है ट्रांसपेरेंट, एक प्रोटेक्शन केस यानी कि कवर, बैक कवर है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद ये रहा हमारा प्यारा सा सेट दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना इसका गुड कलर लग रहा है, एकदम बैक फिनिश देखिए कितना शाइनिंग करता हुआ। और IPS डिस्प्ले है, ये देखिए 6.5 इंच की इसकी डिस्प्ले है और बड़ा शानदार दोस्तों मोबाइल है। ये देखिए, ये 64 मेगापिक्सल क्वाड ट्रिपल कैमरा है और रियलमी की इधर ब्रांडिंग है और ये ग्लॉसी पर्पल कलर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर लगता है। तो अब इसको हम खोलते हैं। ये इसकी रियलमी की ब्रांडिंग लिख के आ रही है स्विच ऑफ खोलने पर, एकदम येलो कलर की, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और गजब लुक दे रहा है। तो देखिए, इसमें अब मैंने पहले ही सेटअप कर लिया था इसका, तो इसमें मैंने पासवर्ड डाल दिया था 2000 के अपना पासवर्ड। और फ़ोन तो आप देख ही रहे हैं कितना चमकदार है और काफ़ी शानदार फ़ोन है। इसको लेने का जो मेरा पर्पस था यूट्यूब में वीडियो बनाने का दोस्तों, तो इसका जो माइक है बहुत अच्छा है, इसका पंच होल साइड में दिया गया है और इधर एक सी पैड इसकी चार्जिंग टाइप केबल है और इधर एक ऑडियो जैक दिया गया है जो कि काफ़ी गजब का है। इधर स्पीकर दिए गए हैं और इधर नॉइस कैंसिलेशन है और इसके और देख लेते हैं क्या क्या है इसके साथ में। आइए, एक है देखिए चार्जर दोस्तों। इस चार्जर का जो क्षमता है 33 वाट फास्ट चार्जिंग करता है, यानी कि अब तक का जो है ना सब जो लेटेस्ट के मोबाइल आ रहे हैं बहुत ही फास्ट चार्जिंग है उसमें, कि आप 30 मिनट 15 मिनट लगा देंगे आपका मोबाइल एकदम फुल हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना एकदम स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी चार्जर की।
तो ये रियलमी दे रहा है, गजब का चार्जर है 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। और इधर आपको मिल जाती है डाटा केबल चार्जिंग की, जो सी टाइप है, ये लेटेस्ट में आ रहा है वर्जन, काफ़ी अच्छा है। और इधर हमको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल्स, ये देखिए, जैसे आपको सिम वगैरह बदलना है तो आप इससे कोंच देंगे, सिम आपकी बाहर आ जाएगी, आप बदल लेंगे। तो देखिए ये रहा है सारा सिस्टम, और एक बार आप देख लीजिए। और प्राइस मैं आपको बताऊंगा ये मुझे कितने का पड़ा है, क्योंकि आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा होगी, तो बने रहिएगा। तो अभी जो है इस कैमरे का कैमरा टेस्ट करता हूँ और वीडियो बनाकर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है Realme 8S 5G 8128 जो मैंने मोबाइल मंगाया है, उसका कमाल है दोस्तों, गजब का वीडियो दोस्तों बन रहा है। मैं भी आपको फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, देखिए इसकी मैं लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों कितना शानदार वीडियो बन रहा है, एकदम मस्त दोस्तों, एकदम तबीयत खुश कर दिया, एकदम गजब की वीडियो बन रही है, देखिए चारों तरफ आप ये देखिए। और मुझे तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मोबाइल लगा, मैंने छानबीन किया काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसमें उत्सुकता नहीं दिखाई मोबाइल लेने में, कई लोगों से एडवाइस लिया, तब जाकर मुझे कई लोगों ने सलाह दिया कि आप इसी मोबाइल को परचेज कीजिए, क्योंकि पैसा अगर लगाना है तो ठीक ठाक सामान लेना चाहिए, ताकि हम भी खुश रहें और जो काम हो वो भी गजब का हो। तो इसलिए मैं जो है काफ़ी ज़्यादा वेट किया और इंतज़ार किया, इसके बाद फाइनली मैं ये मोबाइल चूज कर पाया। तो मुझको दोस्तों ये मोबाइल तो बहुत ही गजब लगा, और आप लोगों को कैसा लगा आप तो इसका रिएक्शन ज़रूर बताएं कमेंट में। और मुझे इसका कैमरा बड़ा गजब लगा, प्रोसेसर भी इसका बहुत तगड़ा है 810, जो कि अब तक इसी रियलमी ने ही दिया है। ये मोबाइल सितंबर में लॉन्च हुआ था दोस्तों, देख रहे हैं कितनी टॉप 10 वीडियो बन रही है एकदम गजब की। तो अभी मैं जो है रियर कैमरा इसका टेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी फ्रंट से वीडियो बनाता हूँ, आपको मैं रियर कैमरा दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इसका रियर कैमरा, आप देख रहे हैं कितने अच्छे घर दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रियर कैमरा भी है इसका, देखिए 64 मेगापिक्सल का कमाल है। ज़रा जूम करते हैं, इधर भैंस बंधी है, ये देखिए दोस्तों जूमिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, ये देखिए फुल जूम हमने कर दिया इसको, इसकी 10 मल्टीपल जूमिंग है इसकी। देख सकते हैं इसका ये रियर कैमरा का कमाल है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये, ये देख रहे हैं मेरे जो अनबॉक्सिंग किया है दिख रहा है, ये देखिए गजब इसका रियर कैमरा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस फ़ोन से। और आप लोगों को कैसा लगा है ये मोबाइल आप कमेंट में बताइए दोस्तों। ये देख पा रहे हैं मैं इस समय चित्रकूट पर हूँ, और उधर देख रहे हैं पहाड़ दिख रहा है धुंधला धुंधला, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, तो पहाड़ धुंध धुंध से छाया हुआ, अगर बारिश जब होती तो बहुत गजब दिखता है। देख पा रहे हैं इधर, यहाँ नेचुरलिटी बहुत है, आप ये यहाँ पर्यटक स्थल है, आप घूमने आ सकते हैं दोस्तों, यहाँ के बारे में आप पूछ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। देख रही यहाँ पहाड़ दिख रहा है, यहाँ देख रही पार्टिंग शुरू है, काफ़ी अच्छा स्थान है ये, भगवान श्री राम की तपोभूमि है। तो चलिए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों देखा जैसे आपने इसका फ्रंट और रियर दोनों कैमरे हमने चेक किए, मुझे तो बेहद नंबर एक के कैमरे लगे। मैंने रेडमी का फ़ोन मुझे लेना था, लेकिन उसमें अब जो है कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं आती, क्योंकि रेडमी का जो नोट 10X टोनेक्स 10X प्रो आता है, मैंने उसका कैमरा चेक किया, 108 मेगापिक्सल था दोस्तों, इसके मुकाबले वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसी मोबाइल को परचेज़ किया, क्योंकि रियलमी का कैमरा नंबर एक आता है और मुझे कैमरे की ज़रूरत थी। हालांकि इसका प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा दिया गया है, बैटरी की बात करते हैं, इसकी बैटरी है 5000 mAh, और चार्जर आप 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ ही मोबाइल आ रहा है, और इसमें जो है 8GB RAM और 128GB स्टोरेज है, जो एकदम कमाल का है। तो दोस्तों ऑफ़र चल रहा था, तो इसमें हमको 2000 ऑफ मिला है, ICICI जो बैंक है उससे हमने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, तो ये मोबाइल फाइनली हमको पड़ा है 17,999 रुपये का। तो दोस्तों काफ़ी गजब का मोबाइल है, अब इस समय ये मोबाइल 20,000 का शो कर रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑफ़र पे लिया था। तो गाइस मेरे लिए तो बड़ा कमाल का मोबाइल लगा ये। हाँ दोस्तों अब जो है आपको वीडियो देखने को मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के, और 1 से 2 दिन का टाइम लगा करेगा, वीडियो आते रहेंगे अंतराल करके, और आप लोग बिल्कुल वीडियो देखने को पाएंगे, क्योंकि जो मेरा ये मोबाइल था नर्वस कर दिया था इसने मुझे,
अगर मैं एडिटिंग करता था स्विच ऑफ हो जाता था और किसी का फ़ोन आ जाता था, परेशान रहता था। तो कहते हैं अगर कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए बेहतर सामान होना चाहिए, अलग से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है दोस्तों। तो मैं आज जो इसका रिव्यू दिखाया, मैं भगवान श्री राम की तपोभूमि पावन स्थली चित्रकूट में आज हूँ मैं, और वहीं से अपने मामा जी के घर पर आया था, वहीं से इसको मैंने रिव्यू किया। मोबाइल तो बड़ा शानदार है, और आप लोग बताइए। तो ये मोबाइल मुझे फाइनली 18,000 का मिला, और इस समय इसका जो प्राइस है 20,000 रुपये है। तो मुझे तो गजब का मोबाइल लगा दोस्तों। मैंने इसकी देखी, अनबॉक्सिंग भी की और आपको दिखाया, तो कैसा लगा, आपका क्या रिएक्शन है, तो आप बताइए कमेंट में ज़रूर। इस मोबाइल के बारे में एक बार और देख सकते हैं आप, मुझे बहुत प्यारा मोबाइल लगा गाइस। तो अगर मेरी तो यही सलाह है, अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं, 18,000-20,000 खर्च करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल काफ़ी शानदार आ रहा है इस समय, आप इसी को लीजिए। क्योंकि 5G है, अगर फ्यूचर में 5G लॉन्च हुआ तो काम करेगा आपका, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे लिए हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट मोबाइल रहेगा। जो यूट्यूबर हैं, बिगनर्स हैं, वो इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ख़राबी नहीं है, गजब का मोबाइल है। बट मैं रेडमी को सलाह नहीं देता, क्योंकि मैं रेडमी यूज कर चुका हूँ, मुझको रियलमी में दिल आ गया दोस्तों, रियलमी का मस्त मोबाइल है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं, और अब वीडियो जो है प्रतिदिन आएंगे, और आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें यार, आपकी कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलती है। मेरे जो ऑडियंस है वो बताया करें यार मैं क्या आपके लिए अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल से यूट्यूबर बंदा को। तो फिर मिलते हैं आपको एक इसी मोबाइल के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।